राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। अपराधियों की धरपकड़ के लिए गई सैनी पुलिस पर पथराव, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आधा दर्जन ग्रामीणों को सैनी पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। कौशाम्बी सैनी कोतवाली पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए बुधवार रात मोहब्बतपुर माइंसा थाना क्षेत्र के थोन गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने आधी रात को पुलिस टीम को गांव में देख कर ईंट पत्थर से पथराव किया, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसमें बता दें कि आईपीसी की धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट 307, 353, 332, 427 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अपर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। घटनाक्रम के मुताबिक सैनी कोतवाल पुलिस चौकी अजुआ इंचार्ज उप निरीक्षक सैनिक और 7 सिपाहियों के साथ पुलिस टीम बुधवार की रात मोहब्बतपुर पाइंसा थाना क्षेत्र के गांव में अपराधियों की धरपकड़ के लिए गई हुई थी। आधी रात को गांव में पुलिस टीम को देखकर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर चला दिया, जिससे कई सिपाही घायल हो गए। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण नहीं माने। पुलिस ने मौके से शैलेंद्र कुमार सतीश मौर्य, द्वारिका प्रसाद इखलाक, अहमद लवलेश मौर्य, अमित कुमार रैदास को गिरफ्तार कर लिया। सैनी पुलिस ने 21 नामजद ग्रामीण और कई अन्य अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट 307, 353, 427, 432 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल।